हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे ग्रोथ स्टॉक का जो हमारे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले हफ्तों में एक पोटेंशियल रखता है न्यू 52 वीक हाई लगाने का सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स एज वेल एज ऑन दी वेदांता ग्रुप डीमर्जर आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए चलिए अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो पर्टिकुलर कंपनी है आप देख सकते हैं 1995 में स्टार्ट हुई थी एंड करेंटली इट इज ग्लोबली रिकोगनाइज एज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर जो कंपनी है मेजरली दो सेक्टर्स में काम करती है जो है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव डिफेंस का जहां पर यह पर्टिकुलर कंपनी आर्म्स एम्यूनिशन मिसाइल्स एंड बल्क एक्सप्लोजिव बनाने का काम करती है बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोज़िव्स में दे हैव पैकेज एक्सप्लोज़िव्स बल्क एक्सप्लोज़िव्स एंड इनिशिएटिंग सिस्टम्स बेसिकली इनिशिएटिंग सिस्टम्स आर लाइक डेटोनेटर्स विच आर यूज टू एज अ रिमोट कंट्रोल टू एक्सप्लोर दोज एक्सप्लोसिव बात करें डिफेंस में यू कैन सी दे हैव मिलिट्री दी एम्यूनिशन प्रोपलेंट बॉम्ब्स वॉर हेड्स इनिशियटिंग सिस्टम एंड पायरोज एंड इंटीग्रेशन ऑफ रॉकेट्स हाउएवर डिफेंस के साथ साथ इस पर्टिकुलर कंपनी का जो टाइप है वो इसरो के साथ भी है फॉर बिल्डिंग दी प्रोपल्शन और दी प्रोपलेंट सिस्टम फॉर दी रॉकेट्स राइट अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की यह है सोलर इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो चल रहा है 4820 थाउजेंड पर और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे आपको 2.79 परसेंट अप दिखाई देगा कंपनी का जो मार्केट कैप है वो फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स करोड़ रुपीज का है which is great. और अब देखे जो स्टॉक की पी निकल के आती है वो है 55.6 ओनली कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड है 34.7 का है रिटर्न ऑन इक्विटी 33.4 परसेंट का है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी पे डेप्ट निकल के आता है वन करोड़ रुपीज विच इज बेसिकली जीरो ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो नाउ आई अंडरस्टैंड दैट हमने अपने काफी में डिस्कस किया है कि डेप्ट देट आर नॉट गुड हावेवर इस कंपनी के केस में जो जितना भी डेट उठाया गया है दैट इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एन डी के लिए उठाया गया है एंड द अदर थिंग इज जो कंपनी का जो डेप्ट उठ रहा है वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज हो किया जा रहा है तो ये आपको मायने में रखना होगा कि कंपनी डेट किस लिए उठा रही है आपको देखना होगा कंपनी के फाइनेंशियल को समझना होगा कि कंपनी के प्लान्स क्या है एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ के आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा राइट right, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की राइट क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स यहां पे 491 करोड़ रुपीस के हो रहे थे जून 2020 में जो बढ़कर 1682 हो गया है जून 2023 में हाउ आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे एक डिप देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मार्च टू जून क्वार्टर एज वेल एज यहां पे आपको थोड़ा सा स्टेबल देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस हाउएवर अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको समवर्ट स्टेबल दिखेंगे अराउंड 350 टू 323 के लेवल के आसपास और अगर आप इसे परसेंटेज में चेक करें तो यहाँ पे आपको 19 परसेंट की मार्जिन मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में डिस्पाइट ऑल द इंफ्लेन्स डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव देयर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स उसके वजह से भी ये पर्टिकुलर कंपनी आपको काफी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती है आने वाले

से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाए इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करें ऑन ईयरली बेसिस आपको यहां एक मैसिव चेंज देखने के लिए मिलेगा जो कंपनी का सेल्स 910 करोड़ रुपीस का था मार्च 2012 में वो बढ़कर 6923 करोड़ रुपीस हो गया था मार्च 2023 में विच इज ह्यूज जंप और अगर आप इसे पिछले ईयर के साथ भी कंपेयर कंपेयर करें फॉर मार्च 2022 तो यहां पे भी आपको ऑलमोस्ट 60 टू 70 परसेंट का जंप देखने के लिए मिला है कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और कंपनी अपने को स्टेबल करते हुए आपको दिखाई दी है नाउ दिस इज ऑल बिकॉज कंपनी है वो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टपोलियो में नए चीजों को एड करती जा रही है एंड दे आर एक्सपैंडिंग दिजनेस इन टू डिफेंस सेक्टर विच इज थीम करंटली इन द मार्केट बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी दे हैव नॉट सोल्ड अ सिंगल शेयर इन देयर होल्डिंग्स आप देख सकते हैं 2020 में 73.15 परसेंट था जो जून 2023 में भी 73.15% है एफ का यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था 4.83% से इन्होंने बढ़ाकर स्टेक अपना 6.72 कर दिया था उसके बाद पिछले दो क्वार्टर्स में यहाँ पे आपको ज्यादा हलचल देखने के लिए नहीं मिली और लास्ट क्वार्टर में तो इन्होंने यहाँ पे स्टेक को कट किया है टू 5.79% साथ ही साथ अगर आप देखें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूश पे यहाँ पे सेवेंटीन से अपना स्टेक फोर्टीन परसेंट पे लेके गए थे और इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया है रफली अराउंड सेवेंटी परसेंट का जीरो पॉइंट सेवन का यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए है सिमिलरली आप देखिए पब्लिक के पास कितने कम शेयर्स रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के ओनली सिक्स परसेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग इज द पब्लिक और अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट दिखा दूँ तो ये है सोलर इंडस्ट्रीज का चार्ट आप देख सकते हैं और ये पर्टिकुलर इंडस्ट ये पर्टिकुलर कंपनी 2020 से एक मैसिव अपहरण पे रही है आपको यहां पे देखना होगा 2020 में यहां पे जब एफ का आना स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाना स्टार्ट किया था तब वो एक हजार रुपये पर चल रहा था और आज के टाइम पे ये पांच हजार रुपए पहुंच चुका है ये वीकली चार्ट है आपको यहां पर बता देता हूँ वीकली चार्ट है मैंने ये इसीलिए लगा रखा है ताकि मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझा सकूँ आप देख सकते हैं कंपनी ने हाइस हाई बनाना स्टार्ट किए थे यहां से और यहाँ से पहला हाई बनाया था फिर लो बनाया था फिर यहाँ पे एक नया हाई बनाया नया हायर लो बनाया फिर एक नया हाई बनाया फिर नया लो बनाया और ये पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा से ही अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ हफ्तों में आपको देखने के लिए मिला होगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक चैनल के बीच में फंस गया था ड्यूरिंग दी फेज ऑफ फेब 2023 ट्वेंटी तो आप देख सकते हैं अगस्त 2023 तक नाउ जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस चैनल को ब्रेक किया था अराउंड द लेवल ऑफ 4100 वन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती थी राइट right? ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे एक काफी अच्छा चैनल ब्रेकआउट दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने और अगर इसी को हम ऊपर की तरफ बढ़ा दे और अगर हम इस पर्टिकुलर जो प्रीवियस वीक के प्रीवियस वीक का जो हाई है 4500 का इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे भी एक नया ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला है ऑन द लेवल अब फोर्टी नाउ आपकी जो एंट्री बनती थी वो फोर्टी पे बनती थी बट अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो आप हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करेंगे और आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक था इसने हाई बनाया था 4600 की के जाने के बाद रफली अराउंड 4980 का उसके बाद मार्केट के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक भी कट करेक्ट हुआ अपने प्रीवियस यहाँ पे देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस को ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से फिर से ये एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है Right? तो आपको यह पर्टिकुलर स्टॉक डेफिनेटली अपनी रडार पे रखना चाहिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टर्मस्टिव के हिसाब से आई अंडरस्टैंड हैं मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा रनअप दिखा सकता है ऑन दी लेवल अब फोर जैसे ही ये अपना फिफ्टी वीक हाई तोड़ेगा यहां पे आपको एक तेजी देखने के लिए मिल सकती है सिमिलरली स्टॉक को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ऑन द डेली चार्ट बेसिस और आप देख सकते हैं डेली चार्ट में भी एक काफी अच्छा जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 45, 4600 के ऊपर फिर उसके बाद यहाँ पे इसने नीचे आया रीटेस्ट किया और अब ये फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के लिए तैयार है थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ चार्ट को आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखेगा जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे भी एक तेजी नई तेजी बन सकती है आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कर लीजिए जैसे ही ये इसका जो हाई ब्रेक होगा 4980 के आसपास है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यह पर्टिकुलर स्टॉक देने वाला है तो यह था वो स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था सिमिलरली हमने जो लास्ट टाइम ग्रोथ स्टॉक डिस्कस किया था उसमें से एक था जेन टेक्नोलॉजीज का आप देख सकते हैं आज से चार महीने पहले हमने डिस्कस किया था और इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमने स्पेशली डिस्कस किया था ऑन द लेवल ऑफ टू हंड्रेड एटी आपको याद होगा टू के आसपास ही हमने स्टॉक डिस्कस किया था और जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वैसा ही कुछ आपको सोलर इंडस्ट्रीज के चार्ट पे भी होता हुआ दिखाई देगा विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन और आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर तीन सौ रुपए से रफली नाइन हंड्रेड रुपीज का हाई बना के आया है हमने बीच में प्रॉफिट भी बुक किया था और जैसा यहाँ पे आपको देख देखने के लिए मिल रहा है एक बॉक्स पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वीकली चार्ट के बेसिस पे ब्रेकआउट देता है फिर स्टॉक ऊपर जाता है वैसा ही कुछ आपको सोलार सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी होता हुआ दिखाई दिया है तो आपको डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने रडार पर रखना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी शॉर्ट का इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक मार्केट में करना चाहिए प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो मी और एनी वन ऑन दी यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप अपनी रिसर्च कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उसकी के बाद एक सोचा समझा डिसीजन लीजिए कि वेदर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट पर्सनली मुझे यह पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लगता है और मैं यहां पे धीरे धीरे करके अक्यूमुलेशन कर रहा हूं इन सोलर इंडस्ट्री स्टॉक